बारिश में ट्रेन की जर्नी बहुत ही रोमांच पैदा करती है। इस वक्त हम जयपुर में हैं और जयपुर से मुंबई तक का आज आपको सफ़र बताएंगे। वैसे जयपुर मुंबई सुपर फास्ट जयपुर रेलवे स्टेशन छोड़ चुकी है और अपनी गति पकड़ रही है और अभी अगला स्टेशन दुर्गापुरा में जाकर ये ट्रेन रुकेगी। दुर्गापुरा से निकलकर यह ट्रेन सीधी सवाई माधोपुर जंक्शन पर जाकर ही रुकती है। इस वक्त हम सवाई माधोपुर जंक्शन छोड़ चुके हैं और ये ट्रेन अपने अगले गंतव्य की ओर धीरे धीरे बढ़ रही है। अब ट्रेन कोटा पहुंचने वाली है और कोटा से पहले राजस्थान की सबसे बड़ी नदी चंबल आएगी और हम आज आपको चंबल बताएंगे और देखिए बारिश में चंबल कितनी चंबल में कितना पानी है। अब हम पहुंच गए हैं रामगंज मंडी। रामगंज मंडी रेलवे स्टेशन हमारी ट्रेन छोड़ चुकी है और रामगंज मंडी के बाद में अगला स्टेशन भवानी मंडी। अब हमारी ट्रेन रामगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंच रही है। सर्दी सर्दी में भिंडी होती थी, अब गर्मियों में भिंडी मिलती है। हाँ, फूल गोभी भी एनी टाइम 12 महीने बंद गोभी। अब तो कोई सी भी सब्जी सारी सब्जी तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं नागदा जंक्शन।
यहाँ से महाकाल का उज्जैन 60 किलोमीटर की दूरी पर है और इस वक्त रात हो चुकी है, इसलिए हम वीडियो बंद करते हैं और कल सुबह बोरीवली में मिलेंगे। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि आपको नर्मदा नदी के दर्शन करें, इसके पश्चात रतलाम, बड़ौदा, सूरत, वलसाड़ होती हुई मुंबई पहुँचोगी। नर्मदे हर, ये भरूच के पास नर्मदा नदी है। हालांकि रात्रि है इसलिए हमने वीडियो बनाना बंद कर दिया था, लेकिन नर्मदे हर, नर्मदा जैसी अति पवित्र नदी कि आपको दर्शन नहीं करवाए तो आनंद नहीं आएगा। इस वक्त आप ये जो देख रहे हैं ये माँ नर्मदा है और पूरी उफान पर है। हालांकि रात्रि का समय है, रात को करीब 2:30 बज रहे हैं, इसलिए हम ये शूट नहीं कर पाए। और अब हम पहुंच रहे हैं वेतरना, और वेतरना की खाड़ी पर हम पहुंच चुके हैं और मुंबई बहुत ही निकट है।